आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेसन में प्रीवियस लेक्चर में हमने साइंस के बारे में पढ़ा था, साइंस की ब्रांचेस पढ़ी थी और हमने बायोलॉजी की ब्रांच को स्टडी किया था। आज हम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिस्ट्री होती क्या है बेसिकली? केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है जो तमाम जो हम सब्सटेंसेस होते हैं हमारे एट गेट, वो एक जब फिजिकल वर्ल्ड बना देते हैं, फिजिकल वर्ल्ड हमारे एट गेट बना देते हैं लाइक, उसे हम केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ले लें ऑयल, ऑयल की जो ये रेफिनरी है, ऑयल अगर हमारी, ऑयल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इस्तेमाल है। हम कुकिंग करते हैं ऑयल के ज़रिए, फ्राइंग करते हैं ऑयल के ज़रिए, ठीक है। अब पेट्रोल, ऑब्वियसली सारे व्हीकल्स पेट्रोल से चलते हैं। मेडिसिन, अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो ऑब्वियसली वो मेडिसिन के साथ ही ठीक होता है। तो ये जो मेडिसिन, ये सारी चीज़ें, मेडिसिन, पेट्रोल, ऑयल और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये सारी केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर आती हैं, ठीक है। अब हम जरा इसको स्टडी करते हैं। Chemistry is the study of all the substances that make up the physical world around us. जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, it covers the physical properties and the reactions of all the elements and compounds we find on earth throughout the universe. यानी ये तमाम चीज़ें कवर कर लेता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस होते हैं तमाम एलिमेंट्स के, तमाम कंपाउंड्स के, लाइक एनिमल्स, एनिमल्स की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो तमाम केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। यानी फिज़िकली जो कर रहे होते हैं, लाइक अब रिएक्शन, यानी अगर कोई एनिमल बीमार होता है तो वो कोई मेडिसिन खाएगा, कोई कोई डॉक्टर के पास, यानी अगर आपके घर में कोई पेट है, एग्जाम्पल ले लें, अगर आपके घर में कोई डॉग पेट है और उस वो बीमार हो गया है, अब हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, जानवर के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और वो उसको मेडिसिन देगा, फिर जाके वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। यानी ये तमाम रिएक्शंस आ जाते हैं हमारे केमिस्ट्री के अंदर। अब कोई इंसान अगर बीमार होता है तो ऑब्वियसली वो मेडिसिन खाएगा। अगर अगर हमारे पास ऑयल नहीं होगा, या अगर हमारी कंट्री में ऑयल नहीं बनेगा, या हमें कहीं से ऑयल इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हाउ कैन हमारा सिस्टम नहीं चल पाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारा सिस्टम नहीं चल पाएगा, ठीक है। लाइक ऑयल, इफ़ अगर हमारे पास ऑयल नहीं है तो हम खाना नहीं बना सकते, अगर हमारे पास पेट्रोल नहीं है हम अपनी कोई व्हीकल नहीं चला सकते, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। Modern technologies in the petrochemical industry and pharmaceutical industry are based on applications of chemistry. Yani, pharmaceutical industry means ये जो फार्मेसी के अंदर तमाम चीज़ें होती हैं, मेडिसिन, सिरप्स, ये सारी चीज़ें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है बेसिकली? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आता है ये सारे ऑयल, पेट्रोल्स, तमाम ऑलिव ऑयल, ये सारे आ जाते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब हमने केमिस्ट्री को स्टडी कर लिया, अब हम पढ़ते हैं फिज़िक्स के बारे में। बेसिकली फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स भी सेम तो नहीं है, लेकिन फिज़िकल वर्ल्ड अराउंड ऐसे, यानी फिज़िकल वर्ल्ड मीन्स हमारे एट गेट की जो फिज़िकल चीज़ें होती हैं, लाइक ये सारे टैब्स, टैबलेट्स और फोन्स, लैपटॉप्स, बोर्ड्स, स्विचेस, प्लग्स, ये सारे हम फिज़िक्स की ब्रांच में बनाते हैं। ऑलराइट, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम नेचर ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स दैट मेक अप एटम्स। यानी ये तमाम चीज़ें कवर कर लेता है नेचर की, जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो एटम बना लेते हैं। लाइक हमने आपने फोर्थ क्लास में एटम्स के बारे में पढ़ा होगा, फाइव में भी एटम्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। टू द लॉज दैट कंट्रोल द गैलेक्सीज एज दे मूव थ्रू द यूनिवर्स, ठीक है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। यानी ये तमाम जो इसकी जो एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी हैं? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये सारी एप्लीकेशन है फिज़िक्स की। लाइक अब मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक में कौन सी आ गया? कंप्यूटर आ गया, और हमारा टेलीविज़न आ गया, और प्लग्स आ गए, काफ़ी चीज़ें जो हैं, बहुत सर्किट बोर्ड आ गया, ये सारे इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब कौन सी हुई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स अगर हम
टैब में, टैब के अंदर हम कोई टेक्नोलॉजी, हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप अपना टेलीविज़न ऑन करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, हमारी सिटी में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, ये सारा जो है ये फिज़िक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये मोबाइल कैसे बनते हैं, किस तरह बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनते हैं, ये सारा फिज़िक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। साइंटिस्ट हैव मेड मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज बट दे ऑल हैड टू स्टार्ट समवेयर जस्ट लाइक यू। दे हैड टू स्टार्ट एट द बिगनिंग। जैसे वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने काफ़ी चीज़ें डिस्कवर की हैं इसके बारे में, बट उनको शुरू से स्टार्ट करना पड़ा है, जैसे कि आप कह रहे हो। ठीक है, यानी उनको भी साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट भी ये तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, साइंटिस्ट भी जो साइंटिस्ट ये नहीं कि उन्होंने जस्ट ये कर लिया भाई जी, उन्होंने सारा ऑब्जर्व करके जो फटाफट आंसर निकाल लिया इनका, ये केमिकल्स को उन्होंने मर्ज करके आंसर कौन सा नया केमिकल बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन उनको तमाम डिटेल में, अभी तो ये पूरा डिटेल में नहीं है, उनको तमाम डिटेल में और सारा स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, दे हैव टू लर्न हाउ टू इन्वेस्ट अ प्रॉब्लम यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, टू टेक इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू हैंडल द इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन, एंड अबव ऑल हाउ टू वर्क सेफली। यानी साइंटिस्ट तमाम चीज़ें सीखते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, मेजरमेंट्स को कैसे, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेजरमेंट कैसे करनी है, अपने जो केमिकल्स हैं उनको हैंडल कैसे करना है, उनको ऑब्टेन कैसे करना है, और उधर काम सेफली कैसे करना है लेबॉरेट्री में, बिकॉज लेबॉरेट्री इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेस। ठीक है, अभी जस्ट हम इतना पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट लेसन में हम लेबॉरेट्री सेफ्टी पढ़ेंगे, और जस्ट लेबॉरेट्री सेफ्टी पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत ही इजीली समझ आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा आपको इजी आसान होने के लिए एक बार दोबारा इजी वर्डिंग में बता देती हूँ। केमिस्ट्री के अंदर हम तमाम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे एड गेट फिज़िकल वर्ल्ड बनाती हैं, यानी सब्सटेंसेस जो हैं हमारे एड गेट वो फिज़िकल वर्ल्ड बना देते हैं, लाइक ऑयल रिफिनरी एंड असॉर्टेड मेडिसिन। ठीक है, ये सिंपल से हमारे पास आप बुक में से देख के भी ईजिली लर्न कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट फिज़िक्स, फिज़िक्स हमारी वो स्टडी है जो फिज़िकल वर्ल्ड है हमारे एड गेट, फिज़िक्स द स्टडी ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड, यानी केमिस्ट्री तो सब्सटेंसेस बनाते हैं फिज़िकल वर्ल्ड, लेकिन फिज़िक्स वो स्टडी है जो हमारे एड गेट फिज़िकल वर्ल्ड हो रहा होता है, फिज़िकल वर्ल्ड हमारे एड गेट। ठीक है, लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा था, टैबलेट्स हो गए, मोबाइल की लैपटॉप्स, कंप्यूटर, ये सारे आ जाते हैं, और सर्किट बोर्ड आ गया। सर्किट बोर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ये जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है हमारी, बेहतर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, टैबलेट्स के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाता है, यानी सर्किट कैसे बनाए जाते हैं, सर्किट बोर्ड कैसे बनाए जाते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन में आता है। अब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाएंगे, हम ऐसे तो नहीं ना बना देंगे। लाइक अगर आपने कोई सोफ़ा बनाना है, सबसे पहले आपको उसके स्टेप्स, उसके टेबल, उसके स्टेप्स, उसके सारी चीज़ें चाहिए होंगी तभी आप बना सकेंगे। अब टैब कैसे बनाते हैं, टैब के लिए आपको उसकी मशीनरी, उसका सॉफ्टवेयर, उसका हार्डवेयर, उसकी डिस्क वगैरह, ये सब चाहिए होगा। ठीक है, कंप्यूटर बनाने के लिए भी सेम ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, और आई होप कि बहुत ही ईजी से आप सबको ये समझ आ गया होगा, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि आपको मेरी जब भी नई वीडियो आए उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और लास्ट लास्ट पे मेरी वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।